वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रतिमास लाइफ एंड लिविंग। सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको सबसे पहले तो ड्राइंग्स में जो मैं कलर्स यूज करती हूँ उन कलर्स को मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उसके बारे में बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप ड्राइंग में कौन से कलर्स यूज करती हो, तो मैं आपको वो कलर्स बताऊंगी आज। और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने जो स्कूल वाला जो पाउच होता है उसमें मैं क्या क्या रखती हूँ, पेन केस में मैं क्या क्या रखती हूँ, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। हाँ, तो अभी श्रिया वो सारी चीज़ें दिखाई जो सारे वो पेंट्स यूज़ करती है, कौन से कलर्स वो यूज़ करती है, और उसने कुछ कुछ पेंटिंग्स भी बनाई हैं, तो वो भी मैं बता दूँगी। हाँ, सो श्रिया बहुत सारे क्वेश्चंस ये थे कि तुम सबसे पहले जब पेंट करती हो तो उसमें क्या चीज़ बनाती हो। सबसे पहले तो मुझे जो बनाने में कंफर्टेबल लगता है वो बनाती हूँ, और आईज सबसे ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगती हैं फर्स्ट में बनाने में, तो मैं सबसे पहले आईज ड्रॉ करती हूँ, किसी भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करती हूँ। हाँ, मतलब कोई भी पेंटिंग बनाती हो, जैसे किसी का फेस बना रही हो, जैसे आना एल्सा तुमने बनाई है, तो उसमें तुमने सबसे पहले उसकी आईज बनाई है। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे वो देख के बनाया, तुमने ट्यूटोरियल जो देख के बनाया था, पहले आईज, फिर नोज, फिर लिप्स, फिर चेहरे की आउटलाइन, फिर हेयर, और फिर उसके बाद ड्रेस। ओके, सो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले कलर्स बता दो सबको, सो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम कौन से कलर्स यूज करती हो वो बताओ सबसे पहले। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये पेंसिल कलर्स यूज करती हूँ, जितनी भी आपने अभी तक मेरी पेंटिंग्स देखी हैं। अच्छा, श्रिया के जो नेल्स हैं उसके पीछे भी बहुत कमेंट्स आते हैं, तो मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि अरे अभी तो स्कूल्स बंद हैं, स्कूल्स में अलाउ नहीं है नेल पेंट लगाना और नेल्स भी बढ़ाना, तो श्रिया को मैं अलाउ करती हूँ केवल वो अपने लेफ्ट हैंड के नेल्स, श्रिया शो करना, लेफ्ट हैंड के नेल्स वो बढ़ा के रखती है और राइट हैंड के उसके कट रहते हैं और उसमें नेल पेंट भी नहीं रहती, तो अभी उसने नेल पेंट इसलिए लगाई हुई है क्योंकि उसकी अभी छुट्टियां चल रही हैं और अभी उसको तो एक दो दिन बाद एक मैरिज अटेंड करनी है। हाँ, तो वैसे भी नहीं भी अटेंड करनी रहती तो वो अभी छुट्टियों में नेल पेंट लगा के रख लेती है, क्योंकि अभी वो शौक अपना पूरा कर सकती है, स्कूल आवर्स में तो नहीं कर सकेगी। ठीक है ना, तो ये बात समझने की है कि बच्चे अगर मतलब अब क्योंकि श्रिया टीनेजर में उसमें आ गई है, ग्रुप में आ गई है, सो उसको थोड़ी थोड़ी इच्छा होती है कि कभी कभी वो अच्छे अच्छे से हेयर स्टाइल करे या कभी कभी वो नेल पेंट लगाए, छोटे छोटे शौक हैं उसके। हाँ। तो छुट्टियों में वो पूरा करती है, बाकी स्कूल टाइम में तो वो बिल्कुल अच्छे से वेल डिसिप्लिन वेल मैनर्ड होके जाती है, नेल्स वगैरह कट करके और नेल पेंट रिमूव करके, बिल्कुल इसकी तरह। ओके, तो सबसे पहले श्रिया बताओ कि तुम कौन से कलर्स यूज करती हो। ये हैं सारे श्रिया के एक्रिलिक कलर्स, जितने भी कलर्स आप देख रहे हैं ये एक्रिलिक हैं, और जितनी भी स्केचेस आपने मेरी देखी हैं जो मैंने आना की बनाई थी, एल्सा की भी बनाई थी मैंने हॉलीडेज रूटीन, अभी हम इसमें भी दिखाएंगे। हाँ। मतलब भी लास्ट में मैं दिखा दूंगी जितने भी स्केचेस बनाए हैं सबके। हाँ, मैं लास्ट में दिखा दूंगी। तो अभी तक आपने मेरे जितने भी स्केचेस देखे हैं आना के, एल्सा के, जो मैंने हॉलीडे रूटीन वाले वीडियो में आपको शो किए थे, अभी तो मैं और भी शो करूंगी, तो वो सारे स्केचेस मैंने इन पेंसिल कलर से बनाए हैं, तो मैं आपको ओपन करके बता दूँ। ये है, अंदर से मैं इनको ऐसे रखती हूँ। ओके, और ये वाले जो हैं ये एक्चुअली एक पेंसिल बॉक्स था जिसमें मैंने कलर्स रखना प्रेफर किया। ये है सारे कलर्स, पेंसिल कलर्स। ओके, नॉर्मली पेंसिल कलर्स स्केचिंग के लिए है। हाँ, तो इनको मैं अपनी नॉर्मल स्केचिंग्स में यूज करती हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट कौन से कलर्स यूज करती है? नेक्स्ट एक्रिलिक कलर्स। एक्रिलिक कलर्स के लिए मैंने एक ड्रॉइंग बनाई थी, एक पेंटिंग, एक्चुअली हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ने हमें बोला था कि आपको एक कैनवस खरीदना है और इस कैनवस पे आपको एक इस टाइप से कुछ पेंटिंग ड्रॉ करनी, नाइट सीन। इसमें और भी स्टोन्स तुमने, ये स्टोन है पत्थर, तो ये इसमें और भी स्टोन्स तुमने चिपकाए थे, वो सारे निकल गए एक्चुअली अभी ना, वो सारे निकल गए, तो अभी वो पेस्ट करके हम आपको दिखा सकते हैं, बाद में दिखाएंगे अपन लास्ट में। हाँ। है ना, और अभी टर्न करो उसको थोड़ा सा, इस तरफ भी श्रिया ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, ये काफी पहले की है, ये भी काफी पहले की थी।
हाँ काफी पहले बनाई थी श्रिया ने। हाँ तो ये जो है कि एक्चुअली मैंने एक शीट पर बनाई थी इसको, मैंने कैनवस पे पेस्ट किया है शीट को। तो ये जो लॉर्ड बुद्धा आप देख सकते हैं, इनको तो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया था, स्केच किया था। बाकी का जो हिस्सा है वो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे कौन से कलर से किया था ड्रॉ। तो इस हिस्से को मैंने ऑयल पेस्टल से किया था ड्रॉ। ओके, ऑयल पेस्टल कलर्स यूज किए थे। हाँ तो इनको भी मैं ओपन करके बता देती हूँ। तो ये जितने भी कलर्स आप देख सकते हैं उनसे मैंने पेंटिंग करी है। सनसेट का सीन बनाया मैंने इसमें, एक कलर मिसिंग है तो उसके लिए सॉरी। वो कहीं रखा गया है शायद श्री अपने से। हाँ तो हाँ एक्चुअली मिसिंग नहीं है। तो ये जो है वो स्क्रैपर है, तो स्क्रैपर तो आते ही ऑयल पेस्टल्स के साथ है ना। तो अब मैं इसे क्यों कर देती हूँ। अब श्रिया का ये है एक पिटारा बहुत बड़ा सा, और इसके अंदर वो सारे कलर्स वगैरह रखती है। तो श्रिया वन बाय वन बता देगी आपको इन शॉर्ट की वो क्या क्या चीज़ें इसमें रखती है। तो ये उसकी कुछ ट्रे हैं, ये बोल हैं करने के लिए। तो इतने सारे कलर्स हो गए अभी कि उनको एक बॉक्स में रखना पड़ रहा है हमें। हाँ और लेती रहती है क्योंकि कलर्स सूख जाते हैं, बहुत दिन तक नहीं वो रहते हैं। हाँ तो ये है एक पोस्टर कलर्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टर कलर्स। तो ऊपर भी लिखा है। हाँ यहाँ पे तो लिखा ही है। और जो एक्रिलिक होते हैं और पोस्टर होते हैं उनमें काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि जो एक्रिलिक होते हैं वो कभी पानी से हटते नहीं है, मिटते नहीं है। पोस्टर्स मिट जाते हैं, और पोस्टर्स जो रहते हैं वो शीट पे पेंट करने के लिए होते हैं। एक्रिलिक जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स या आपको कोई ऐसी ड्रॉइंग बनानी जो आप चाहते हो परमानेंट रहे हमेशा के लिए, अच्छी दिखे, तो उससे आप एक्रिलिक से ड्रॉ कर सकते हैं। एक्रिलिक आर वेरी प्रीशियस। ओके तो ये पोस्टर है एंड मेरे पुराने एक व्लॉग में किसी ने लिखा था कि श्रिया की हमें ये चीज़ अच्छी लगी कि वो फेविकॉल वेस्ट नहीं कर रही और एक्रिलिक कलर्स भी वेस्ट नहीं कर रही है। तो बिल्कुल मैंने श्रिया को बोल के रखा है कि कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, भले ही आपके पास बहुत सारा है पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको वेस्ट करो। फेविकॉल भी बहुत सारे रहते हैं उसके पास, लेकिन कोशिश करती है कि वेस्ट ना हो, है ना श्रिया। सो अब ये दिखा रही है पोस्टर कलर्स हैं ये। सो ये तो कलर्स नहीं है लेकिन ये क्ले है एक्चुअली में, मोल्डिंग डो जिसे कहते हैं ना, ये वही है। कभी कभी ये कुछ में काम आता है क्राफ्ट में। हालांकि मैं इसे अभी खेलने में यूज नहीं करती तो क्राफ्ट में काम आ सकता है। तो ये मुझे किसी ने बर्थडे गिफ्ट में दिया था। और ये पाउच मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये एल्सा और आना का पाउच है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इसमें है पेंसिल कलर्स। हाँ ये देखिए इसमें ओलाफ भी बना हुआ है। ओके इसमें मैं पेंसिल कलर्स रखती हूँ, जो बाकी के जो इनमें फिट नहीं हो रहे थे वो मैं बाकी के इनमें रख देती हूँ। ये पेंसिल कलर्स हैं। सो ये जो वाटर कलर्स हैं ये भी मैंने खरीदे थे, काफ़ी पहले खरीदे थे, तो ये अभी भरे हुए हैं, मैंने यूज़ नहीं की थी। मैं ये वाले यूज़ करती हूँ मैक्सिमम टाइम्स। तो ये मैंने अभी तक उतने यूज़ नहीं की, देखिए पूरे सूख चुके हैं अंदर से, उन्हें पानी डालना पड़ेगा उनमें। अब ऐसे ये वाले तो ऑयल पेस्टल कलर्स मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ एक के बाद एक निकाल के। ये एक था, ये एक और है, आई थिंक इसमें भी है। अच्छा और ये एक और है। तो ये जो है श्रेया देखना इसमें भी है। अब नहीं इसमें तो नहीं है, इसमें दूसरे टाइप के कलर्स हैं। हाँ वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये मेरे पास 3 हैं और ये एक्चुअली स्कूल के लिए मुझे स्कूल किट के साथ मिले थे, बुक्स वगैरह के साथ मिले थे। तो ये ऑयल पेस्टल कलर्स है ना। हाँ तो ऐसे हैं, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के। ये फर्स्ट क्लास का है, ये इतना पुराना है, मैं अभी 8th क्लास में आ गई हूँ।
ओके और इस पिटारे में भी देख लीजिए आप क्या क्या रखा है। ये मुझे लगता है सबसे पुरानी चीज है। हाँ हाँ ये तो बचपन का है। कैमल का आता है जो। हाँ तो ये देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। पत्थर। तो इसे मैं दो मिनट बंद कर देती हूँ। ये बहुत पुराना है। मैं जब बहुत छोटी थी तब मैंने यूज करती थी और इसका एक ब्रश साथ में नहीं आया था तो मम्मी ने मुझे मेकअप का एक ब्रश दे दिया था। इसका वो पतला सा था ब्रश। हाँ चलो। सो ये एक और है सिमिलर टू दिस और ये है एक जिसमें गोल्डन और सिल्वर कलर है। इसमें ज्यादातर गोल्डन और सिल्वर यूज किया श्रिया ने, है ना? हाँ चलो नेक्स्ट देखें। बहुत पसंद है। हाँ नेक्स्ट देखो। और ये भी पोस्टर कलर्स है। ये काफी ओल्ड है लेकिन ये सबसे ज्यादा ओल्ड था जब मैंने देखा है। ओके ओके ये कैमल का है ना ये वाला भी? ये भी कैमल का है। देखिए कितना क्यूट सा बॉक्स है ये। और मैं इसे अरे यार मैं इसे ओपन करके बताती हूँ। ये देखिए इसमें सिक्स शेड्स हैं। रेड व्हाइट ब्लैक येलो ग्रीन तो अब मैं आपको ये बॉक्स करके बताने वाली हूँ। सो इस बॉक्स में भी कलर्स ही हैं और कुछ नहीं है। तो इस बॉक्स में ये वन ऑफ माय फेवरेट ऑयल पेस्टल कलर्स हैं। सेट मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बर्थडे पे मिला था। ओके मैं तो जब छोटे थे तो कलर्स ही मिलते थे गिफ्ट में और क्या मिलता था। तो ये है अंदर से कलर्स। ये भी काफी अराउंड 4 to 5 इयर्स ओल्ड है ये। क्योंकि बहुत सारे जो ब्लूज में रखती है अभी बताएगी वो। हाँ। वो उसने बहुत से यूज किए बहुत सारे अलग भी हटा दिए किसी किसी को उसने दे भी दिए कलर्स जो उसके पास बहुत सारे जो थे पहले के। हाँ। तो ये अभी रखे रह गए जो अभी यूज नहीं करती। और अब ये है ये कलर्स मुझे किसी ने दिए थे गिफ्ट पे नहीं दिए थे गिफ्ट पे हाँ शायद से गिफ्ट पे दिए थे किसी और ने दिए थे मुझे। ये है आर्टिका प्लास्टिक क्रेयॉन्स। इन्हें भी मैं यूज करती थी। तो ये रहे कलर्स सारे मैं निकालूंगी तो गिर जाएंगे सब। ओके है ना। एंड इसमें श्रिया के बहुत सारे वैक्स कलर्स हैं क्रेयॉन्स कलर्स हैं और ये देखिए इन्हीं में होगा वो एक कलर जो मिसिंग था। बहुत सारे इसमें वैक्स कलर्स ऐसे ही डले हुए हैं। तो ये ऑयल पेस्टल के 3 sets ये वैक्स कलर्स के 3 sets। हाँ तो ये इकट्ठे हो गए हैं उसने खरीदे नहीं है सारे इतना वेस्ट नहीं किया उसने। बट अपन लोगों के पास शुरू से कलेक्शन होता गया तो वो रखा हुआ है काफी सारे। तो ये अब पूरा हो गया खाली। तो ये थे मेरे सारे कलर्स और ये है मेरे सारे आर्ट सप्लाईज जो कि मैं आर्ट के लिए यूज करती हूँ। और अभी मैं आपको पेंटिंग का भी कलेक्शन दिखाऊंगी। हाँ जो पेंटिंग श्रिया ने बनाई है वो सारी उस जो है मैं लास्ट में डाल दूंगी सबकी जो शॉर्ट्स हैं वो डाल दूंगी। और अब श्रिया बताएगी कि उसके पाउच में क्या है। तो चलिए पाउच वाला जो शूट मैंने जो कल लिया था वो आप सभी से शेयर करती हूँ। हाँ तो बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी कि और वो लोग पूछ भी रहे थे कि मैं अपने जो पेन केस जो रहता है उसमें मैं क्या रखती हूँ अपने पाउच में क्या रखती हूँ। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी आज। तो सबसे पहले पेंसिल जैसे कि सब रखते हैं अपने पाउच में पेंसिल है। इसका पेंसिल टॉप मैंने बनाया था ये DIY पेंसिल टॉप है। ये मैंने अपने चैनल की एक वीडियो में दिखाया था स्टडी हैक्स और मेरे चैनल का नाम है श्रिया हुड। अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हैं। और ये
हाइलाइटर भी मैं रखती हूँ, ये ऑरेंज कलर का हाइलाइटर है। और जब भी मेरी टीचर मुझे कुछ हाईलाइट करने को बोलती है, कोई टेक्स्ट जो बुक में लिखा रहता है उसे हाईलाइट करने के लिए, तो मैं इस टाइप से कुछ हाईलाइटर को यूज कर सकती हूँ। और ये है एक पिंक कलर का वाइटनर, इसे भी मैं स्कूल लेके जाती हूँ। जब भी मुझे कोई करेक्शन करना रहता है, कुछ मैं लिख देती हूँ गलत, तो इसको मैं यूज कर देती हूँ। और वेरी कॉमन थिंग तो सबके पास होता है, ये पेन्स हैं कुछ। और एक हमारी चैनल की व्यूअर है, जिनिशा जैन है उनका नाम, तो और वो हमारे चैनल को काफ़ी पसंद भी करती है। उनकी एक डिमांड आई थी कि वो चाहती थी कि हम उन्हें कुछ अच्छे पेन्स के नाम बताएं, उनके ब्रांड के नाम बताएं। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मैं जो पेन्स यूज़ करती हूँ उनके ब्रांड्स मैं आपको बताती हूँ। ये जो पेन है ये विनर ब्रांड का पेन है, और अगर आपको थिक निक के पेन्स पसंद है तो आप ये वाला पेन ले सकते हैं, क्योंकि इस पेन में थिक निक है। आपको दिखाती हूँ, इसकी आप ये थिक निक देख सकते हैं। तो अगर आपको थिक निक के पेन्स पसंद है तो आप इस ब्रांड का पेन ले सकते हैं। मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि मैं 3 पेन्स यूजुअली अपने पाउच में रखती हूँ। उनमें से एक जो रहता है वो ब्लैक रहता है, बाकी के जो ब्लू रहते हैं। ये जो 2 पेन्स हैं वो ब्लू कलर के हैं। ये थिन निप वाला पेन है और मैं थिन निप वाले पेन यूज़ करती हूँ, प्रेफर करती हूँ, तो मैं इससे मैक्सिमम पेन्स लिखती हूँ। और इसका ब्रांड मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको थिन निप वाले पेन पसंद है तो आप पेंटोनिक वाले पेन्स ले सकते हैं। इसके ब्रांड का नाम है पेंटोनिक, ये भी काफ़ी अच्छा पेन है। ये भी पेंटोनिक से है, ये पेन जो है ब्लैक कलर का पेंटोनिक का है, इसकी थिन निप है। और एक और ब्रांड यूज़ करती हूँ वो है रेनॉल्ड, ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है पेन्स में। रेनॉल्ड, उसकी निप भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि निप भी अच्छी होनी चाहिए, उससे आपकी हैंड राइटिंग का भी इफेक्ट होता है। यूजुअली मैंने देखा है कि जो थिक निप वाले पेन्स होते हैं उनसे उतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं आ पाती है, जो थिन निप वाले पेन्स होते हैं उन्हें आप यूज़ करें जिससे आपकी और अच्छी हैंड राइटिंग आए। तो अब करते हैं इन पेन्स पे, ये हैं कुछ स्पेशल पेन्स, ये हैं ग्लिटर पेन्स। सो आप सोच रहे होंगे कि मैं इनको क्यों यूज़ करती हूँ। जब भी हमारी टीचर्स कुछ एक्टिविटी करवाती हैं, हमारे क्लास में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो अभी तो स्कूल ही चल रहे हैं, लेकिन जब भी स्कूल चलते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं कॉपीज़ में, तो उनको करने के लिए अच्छे से और डेकोरेट करने के लिए मैं इन ग्लिटर पेन्स को यूज़ करती हूँ, पिंक ब्लू गोल्डन। और इनका ब्रांड मैं आपको बताती हूँ, ये है फ्लेयर एक्स्ट्रा स्पार्कल जेल पेन्स, आप देख सकते हैं। तो ये है स्केल जो कि मैं अपने पाउच में रखती हूँ। इधर से तो ऐसा नॉर्मल है, लेकिन पीछे से ये 3D है, इसमें चीता दौड़ रहा है, ऐसे से मैं हिलाती हूँ तो पता चलता है। तो ये जो स्केल है वो पापा लाए थे बाहर से, साउथ अफ्रीका से लाए थे, काफ़ी अच्छा है। और ये हैं कुछ इरेजर्स, एक मोबाइल प्रिंट की इरेजर है ब्लैक कलर की, और एक पिंक कलर की स्ट्रॉबेरी वाली इरेजर है। तो इन 2 इरेजर्स को मैं रखती हूँ। ये एक शार्पनर है, कुछ ऑर्डिनरी टाइप का शार्पनर है। ये एक डायरी है, DIY वाली डायरी है, पीछे से ऐसी है, आगे से ऐसी है, अंदर से प्लेन पेज। और अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं रख लेती हूँ इसमें, जैसे रबर बैंड्स और पेपर क्लिप्स, क्योंकि इनका भी कभी कभी यूज़ हो जाता है स्कूल में। सो ये मेरा पाउच है फाइनली, आप देख सकते हैं, मल्टी कलर का ट्रांसपेरेंट पाउच है, ये पीछे से ऐसा, आगे से ऐसा, और इस पे लिखा है गुड लक। सो
ये सब चीज़ जो मैंने दिखाई वही सब चीज़ें मैं अपने पेन केस में रखती हूँ, स्कूल लेके जाती हूँ। तो होप कि अभी आपकी डिमांड पूरी हो गई होगी, कि आपने पूछा था कि मैं अपने पाउच में क्या क्या रखती हूँ, तो वो मैंने आपको आज बता दिया है। मैंने आप सबकी डिमांड पूरी करी कि सारी कलर शो करने हैं, मेरे पाउच में क्या है वो शो करना है। तो इन सबकी डिमांड्स मैंने आपकी पूरी कर दी है आई होप। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत। हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि सब्सक्राइब आप एक ही बार करना है, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नीचे दिखेगा, आप उसको हिट करेंगे ना तो उसका कलर लाइट हो जाएगा और एक बेल आएगी उसको भी आपको हिट करना है। तो बस एक हिट हमारे लिए बहुत स्पेशल हो जाता है। ओके ओके, सो हाँ कमेंट्स भी करिए, हमें कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं देखना। ओके, श्रिया सबके कमेंट्स पढ़ती है, सब उसकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं सबके कमेंट्स वो पढ़ती है ना श्रिया? हाँ। ओके, सो बाय बाय बोलो। बाय बाय बाय, यहाँ से मेरी तरफ से भी। टेक केयर। टेक केयर।